ये बात तो देखो कोई भी मानेगा कि इस पूरी सृष्टि की, इस पूरे ब्रह्मांड की अगर कोई नायाब रचना है तो वो एक औरत है। स्त्री जो है वो सर से लेके पांव तक अद्भुत चीज है। लेकिन इस वीडियो में मैं जिस स्त्री के सबसे इंपॉर्टेंट अंग की बात करने वाली हूं, जिसे आप ब्रेस्ट के नाम से जानते हैं, उसके अंग वस्त्र जिसे ब्रा कहते हैं, उसके बारे में मैं आज आपको कुछ इंफॉर्मेशन देने वाली हूं। वैसे तो मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है कि ब्रा को कैसे खोले, लेकिन आज मैं कुछ अलग तरह की चीजें आपको बताने वाली हूं। अंदाज अलग, बताने का तरीका अलग और इंफॉर्मेशन भी अलग। अगर जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। ब्रा जो है उसका काम ही ब्रेस्ट को होल्ड करना और उसको ढकना है, लेकिन बनाने वाले ने कुछ इस तरीके से इसे बनाया है कि सिर्फ आधे ब्रेस्ट को ही ढकता है, पूरे को तो ढकता ही नहीं है। कभी सोचा है ऐसा क्यों? क्योंकि ये ब्रा होती तो फीमेल के लिए है, तो ये फीमेल के काम की चीज, लेकिन बनाई जाती है मर्दों को ध्यान में रख के। और तुक्का ये है कि इसका नाम सुनते ही मर्दों के दिमाग में बस एक ही चीज आती है कि जल्दी जल्दी इसको खोलो और ये मांसल भरे हुए कबूतरों को आजाद करने दबोचना और पकड़ना शुरू कर दो। तो ऐसे लोगों को देखो मैं यही कहना चाहूंगी कि अरे रुको, जरा सब्र करो, ये जो ब्रा है ये खोलने की नहीं, खेलने की चीज है, खेलने की। लेकिन लोग जो है वो खेलने के कम खोलने के शौकीन ज्यादा रहते हैं। ये ब्रा जो है ना अपने आप में बहुत अद्भुत चीज है। पूरी दुनिया में आपको इतनी वैरायटी गाड़ी और बाइक में देखने को नहीं मिलेगी, इतने मॉडल आपको गाड़ी और बाइक में देखने को नहीं मिलेंगे जितने आपको ब्रा में वैरायटी और डिजाइन मिल जाएंगे। क्योंकि ये चीज ही ऐसी है मर्दों की पाचो ज्ञान इंद्रियों को झंझोड़ के रख देती है। जब आप इनका नजारा करते हैं तो आप उत्तेजित हो जाते हैं, उनकी अधखुली गोलाइयों को देखकर उन्हें हाथों से स्पर्श करने के लिए उत्साहित हो जाते हैं, दांत काटने के लिए ललायित हो जाते हैं, जीभ से टच करने के लिए मचल उठते हैं। ब्रा नामक ये अंग वस्त्र जिसकी खुशबू को ये क्लेवज में कैद करके रखता है, जब आप उसे स्मेल करते हैं तो आप उत्तेजित हो जाते हैं। जब आप उसे थपथपाते हैं, प्यार से थपकी देते हैं उनकी गोलाइयों को, तो जैसे उसकी आवाज आपके कान में पड़ती है तो आपकी जो कान इंद्रिय है ये प्रोत्साहित होती है। ब्रा जो है वो नारी तत्व को अपने अंदर कैद करके रखता है, जिसे आप जीभ से टेस्ट करके नारी तत्व का स्वाद ले सकते हैं। लेकिन बेसब्र लोगों को सब्र कहाँ, वो तो बस सीधा खोलो और शुरू हो गए। अगर आप लोग भी कुछ ऐसा ही करते हैं तो आप कुछ नया ट्राई कीजिए। ब्रा को खोलने से पहले उन अधखुली गोलाइयों को थोड़ा सा सहलाइए, उन्हें छुइए, प्यार कीजिए, दुलार कीजिए, इसके बाद ब्रा को खोलने पर आइए। अब अगर बात ब्रा को खोलने की जाए तो देखो आज भी ऐसे कितने ही लोग होंगे जो कि बरसों से एक साथ रह रहे हैं लेकिन अपने पार्टनर की ब्रा को खोलने में आज भी असमर्थ ही पाते हैं खुद को। हुक में उलझ कर ही रह जाते हैं, हुक खोल ही नहीं पाते, आधा से आधा टाइम उसको बस ऐसे वैसे ऐसे निकाल देते हैं। तो अगर आप भी हुक में उलझ कर रह जाते हैं तो हुक में दिमाग मत लगाइए और प्लान बी का इस्तेमाल करो। अब ये प्लान बी क्या है मैम? देखो देखो बेसब्री देखो चेहरे पे झलक रही है, रहा नहीं जा रहा। अरे रुको जरा, 10 मिनट का वीडियो है पूरा, क्यों टेंशन ले रहे हो, सब कुछ बताऊंगी। देखो प्लान बी होता है कि एक हाथ से आप अपने पार्टनर को होल्ड किया हुआ है और लिप्स से अपने होठों से उसको सहला रहे हो, उसके बॉडी अंग को सहला रहे हो अपने होठों से, उसकी एक्साइटमेंट लेवल को बढ़ा रहे हो, और दूसरे हाथ से उसकी जो ब्रा की स्ट्रैप्स है आपने नीचे उतार दी कंधे से। जब आप अपने एक हाथ से उसके कंधे से ब्रा को नीचे कर दोगे तो वो जो तनाव होता है, वो जो ग्रिप होती है वो ढीली हो जाएगी, और जैसे ढीली हो जाएगी तो आप इजिली पीछे से उसके ब्रा का हुक खोल सकते हो। क्योंकि ब्रा और ब्रेस्ट में तनाव तभी रहता है जब तक वो ब्रा उससे सट कर रहती है, लेकिन जैसे ही आप ब्रा की जो स्ट्रैप्स नीचे उतार दोगे तो ग्रिप ढीली हो जाएगी और आप इजिली उसकी ब्रा को खोल पाएंगे। अब दूसरा तरीका, ब्रा को ब्रा समझो ही मत ना, समझो ही मत के पीछे हुक भी लगे हुए हैं, इसे टी शर्ट की तरह समझो, टी शर्ट को ऐसे पकड़ के ऊपर से निकाल डाल। अब अगर आप थोड़ा सा रोमानी किस्म के इंसान हैं तो आप ऑप्शन 3 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ऑप्शन 3 क्या, कि कभी कभी हाथों का काम दांतों से भी लिया करते हैं, कि आपने अपने पार्टनर को दोनों हाथों से पकड़ा हुआ है और दांतों से कंधे की जो स्ट्रैप्स है ब्रा की जो स्ट्रैप्स है दांतों से पकड़ के और खींचकर नीचे उतार दी।
ये काम आप अपने जीभ से भी कर सकते हैं। अगर रोमानियत ज्यादा सर पे चढ़ी हुई है, खुमारी सवार है, तो फोर प्ले करते हुए जीभ का यूज कर सकते हैं और उसको सहलाते हुए टंग प्ले करते हुए जीभ से उसकी ब्रा की स्ट्रक्स को नीचे उतार सकते हैं। ये आपकी पार्टनर को और ज्यादा एक्साइट करेगा और उसको और ज्यादा सुखदायक महसूस कराएगा, उसके आनंद का लेवल ही कुछ अलग होगा। आजमा कर देखिए, आपकी पार्टनर की सिस्कारिया ना निकल जाए तो बोलना। अब देखो, करना आपको ही है, मैं जो तरीके बता रही हूं उसे अप्लाई आपको ही करना है। इसमें यह भी डिपेंड करता है कि आप कितने आर्टिस्टिक वे में इस चीज को करते हो, कितना टाइम लगाते हो, कितनी सांसुली प्ले करते हो। तरीका मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से भी आप ब्रा को उतार सकते हो, करना तो आपको ही पड़ेगा ना जी। ब्रा ओपन करने के ढेर सारे ऑप्शन हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी पसंद क्या है और आपकी पार्टनर की पसंद क्या है। जो चीज आपको ज्यादा पसंद आती है, आपकी पार्टनर को ज्यादा पसंद आती है, बस उन्हीं चीजों को करिए और मौज लीजिए। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये रोमानियत भरी हुई चीजें हमारी समझ से तो बाहर है, हम ठहरे वाइल्ड तरीके से करने वाले, हमारे लिए क्या है रिया मैम? तो चलो अब आपके लिए भी कुछ बता ही देते हैं कि वाइल्ड तरीके से आप कैसे करें। आपके लिए आप चाहे तो अपने पार्टनर की ब्रा को हाथों से फाड़ कर निकाल सकते हैं, इसका भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रहे कि ऑलरेडी एक सेट ब्रा का लेकर जाएं अपने पार्टनर के पास। पता लग रहा लेने के देने पड़ गए, अगली बोले जूते इतने मारूंगी ना मैं पहनकर क्या जाऊंगी, तो इस चीज का भी ध्यान रखें। दांतों से फाड़ देना, दांतों से काट देना, ये एक अलग तरह का एक्ट है जो कि बहुत ही असम 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 सी फीलिंग देता है। लेकिन इस फीलिंग को एंजॉय करने से पहले एक चीज का ध्यान रखिए कि आप किसी भी चीज का अगर यूज कर रहे हैं कट करने के लिए तो सावधानी बरते, वो हर्ट ना हो जाए ना, दिक्कत ना हो जाए, पता लगा सारा माहौल ही खराब हो गया, वाइल्ड की तो ऐसी तस्सी हो गई। अगर इतने सारे टिप्स जानने के बाद आप लोगों का काम बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके बावजूद भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं कुछ और अगर पता लग जाए और तरीके हो तो चलो कुछ और टिप्स भी ले लो मुझसे। कि जैसे कुछ लोग बड़े किनकी होते हैं जो अपने काम भी दूसरों से करवाना पसंद करते हैं, तो सेम चीज आप भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा नॉटी प्ले और सेंसुअल प्ले करने की जरूरत है। ठीक है, जैसे मान लो आपकी पार्टनर है और आपने उसकी ब्रा में आइस क्यूब डाल दी, वो उछल उछल कर अपनी ब्रा खुद ही निकाल देगी। या फिर ऐसा कोई आर्टिफिशियल कीड़ा जो एकदम रियल दिखता हो आपने उसकी ब्रा के बीच में डाल दिया और उसे ऐसा लग रहा है कि यार ये तो कीड़ा है, कीड़ा हटाओ इसे निकालो, अपने आप ही ब्रा खोल देगी। तो इस तरह के आप नॉटी एक्ट कर सकते हैं उसके साथ। अब बात करते हैं कुछ सेंसुअल तरीके के बारे में। इसके लिए आपको देखो थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा, स्किल्ड होना पड़ेगा। आपको अपने टंग का, अपनी लिप्स का, अपने हाथों का, गर्म सांसों का इस तरीके से उपयोग करना आना होगा। मतलब इस तरीके से आपको ये चीजें करनी होगी, इस तरह से फीडर टच देना होगा कि आपका जो स्पर्श है उसकी बॉडी और आपके स्पर्श में जो ब्रा है उसे दीवार की तरह लगे, वो खुद हटा के फेंक दे के नहीं, मुझे तुम्हारे स्पर्श को अपनी बॉडी पे फील करना है, महसूस करना है, ये जो ब्रा है ना, ये जो कपड़ा है, ये मुझे दीवार लग रही है, इसको हटाओ इसे फेंको, खुद ही निकाल के फेंक दे, इतनी मंत्रमुग्ध हो जाए आपके स्पर्श से, आपके टच से। तो इस तरीके से भी आप उसको मजबूर कर सकते हो खुद से अपनी इस ब्रा को निकालकर फेंक डाले। तो ये तो थे वो सारे तरीके जो मैंने आपको बताया कि किसी फीमेल की ब्रा को कैसे उतारे। एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि ब्रा जो है वो खोलने की नहीं खेलने की चीज है, तो खेलिए और मौज लीजिए। कैसा लगा वीडियो बताना जरूर। थैंक यू सो मच।